नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के किसी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए उस देश को टैक्स देना होता है और वहाँ की सरकार से जाने की अनुमति लेनी होती है, जिसको वीज़ा कहा जाता है। दूसरे देशों की तरह भारत के लोगों को भी दुनिया के किसी और देश में जाने के लिए वहाँ की सरकार से वीज़ा लेना पड़ता है, जिसमें कि अच्छा खासा पैसा वहाँ के सरकार को देना होता है। लेकिन मॉरिशस और भूटान जैसा कई सारा देश है जहाँ पे जाने के लिए भारत के लोगों को वीज़ा का पैसा देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन वीज़ा फ्री देशों में जाने के लिए पासपोर्ट बनाना होता है, जिसमें लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च आ सकता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत का संबंध दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी अलग और ख़ास माना जाता है, क्योंकि भारत के लोगों को नेपाल जाने के लिए किसी भी तरह का पासपोर्ट या फिर वीज़ा नहीं करना होता है, जिस कारण भारत और नेपाल के लोग बिना पासपोर्ट के एक दूसरे के देश जा सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसकी मूल वजह के बारे में, जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से पहाड़ियों के द्वारा घिरा है। यही कारण है कि नेपाल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भारत के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, और यही कारण है कि नेपाल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए कोलकाता पोर्ट के साथ हाईवे के द्वारा जोड़ा गया है। व्यापार और काफ़ी सारी कारणों की वजह से नेपाल को और भारत को एक गहरा समझौता कायम करना था, जिस कारण 1950 में भारत सरकार और नेपाल के राजा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके आर्टिकल 7 के मुताबिक भारत या फिर नेपाल कोई भी देश का नागरिक बिना पासपोर्ट या वीज़ा के एक दूसरे के देश जा सकता है। नेपाल और भारत की बॉर्डर को पूरी तरह से खोल दिया गया और नेपाल में जाने के लिए भारतीय किसी भी एक परिचय पत्र को लागू करा गया। एक बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है कि नेपाल या भारत के लोग बिना पासपोर्ट या वीज़ा के पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के देश में आसानी से रह सकता है। भारत के लोग नेपाल में नेपाल की सरकारी नौकरियों को छोड़कर कोई भी नौकरी आसानी से कर सकता है, लेकिन कोई भी भारतीय नेपाल में ज़मीन नहीं खरीद सकता। लेकिन ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है कि नेपाल के लोग भारत के कुछ दफ्तरों को छोड़कर बाकी सारी दफ्तरों में सरकारी नौकरी कर सकती है। लेकिन फिर भी 2014 के बाद नेपाल के लोगों में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है।